नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। आजसू पार्टी के द्वारा बेंगाबाद के किस निचक मैदान में वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अन्य पार्टियों को छोड़कर आजसू पार्टी का दामन थामा। बताया जाता है कि इसमें अधिकतर महिलाओं की संख्या अधिक थी। इधर संगठन मजबूती को लेकर पंचायतवार संगठन मजबूत किया जा रहा है। कहा कि जनता का रुझान आजसू की तरफ बढ़ रहा है, यही कारण है कि यह जनसैलाब अन्य पार्टियों से मोह भंग होकर आजसू से जुड़ रही है। वहीं जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने कहा कि संगठन मजबूती को लेकर चूल्हा प्रमुख हर पंचायत में बनाया जा रहा है, जो कि हर पंचायत में 300 महिलाएं पार्टी संगठन में कार्य करेंगी। वहीं प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो, बिंदु कुमारी मंडल, जीप सदस्य केदार हाजरा, मुखिया सुधीर राजवार आदि ने कहा कि वनभोज तो एक बहाना है, संगठन को मजबूत बनाना है, 2024 को अर्जुन बैठा को विधायक बनाना है। आइए देखते हैं और किसने क्या कहा। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी जय हिंद, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बेंगाबाद के किसनीचक मैदान, जहां पर आजसू पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। और यहां पर काफी संख्या में, सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ताओं ने आजसू ज्वाइन किया है और आप देख पा रहे हैं यहां का भीड़ और जनसैलाब। यह साफ प्रतीत हो रहा है कि आने वाला 2024 मनाया जाएगा। पूरे जय जयकार किया जा रहा है, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं लगातार। आप देख पा रहे हैं बेंगाबाद के किसनीचक मैदान है, जहां आजसू पार्टी का आज जो कारवां जो दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि 2024 का आगाज का जो एंट्री होगा धमाकेदार होगा। निश्चित रूप से यहाँ के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है और सबसे खास बात यह है कि महिलाओं का जत्था अर्जुन बैठा के साथ काफी तादाद में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से बयां तो कुछ और की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ पर उन लोगों से हम लोग बात करेंगे कि आज इस मौके पर यह वनभोज का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस दौरान काफी तादाद में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई है। मौके पर प्रियंका शर्मा, यहाँ पर जिला अध्यक्ष महोदया जो है प्रियंका शर्मा मौजूद है, और प्रखंड अध्यक्ष बिंदु कुमारी मंडल, प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो, केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा के नेतृत्व में यहाँ सब लोगों ने ज्वाइनिंग लिया है। उन लोगों से हम लोग जानेंगे और बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, और जो लोग ज्वाइनिंग किया है उन लोगों से भी बात करेंगे कि आज का ज्वाइनिंग का कारण क्या है, ज्वाइनिंग होने में कितना आनंद आ रहा है, क्यों ज्वाइनिंग हो रहा है। भाई लगातार आजसू में देखने को मिल रहा है कि कारवां दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग बात सबसे पहले प्रियंका शर्मा के पास चलेंगे और बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि महिलाओं का जत्था का आखिर राज क्या है, जो काफी तादाद में लगातार जुड़ रही है। बहुत बहुत बधाई प्रियंका जी आपको कि आपकी पार्टी लगातार महिलाओं का जत्था जुड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज लगभग हमारे साथ 60 महिला जुड़ी हैं और 10 पुरुष, लगभग 70 नया ज्वाइनिंग हुआ है, और हर पंचायत से, हर ग्राम से हमारी महिला लोग आ रही है, जुड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर इस पार्टी में महिला लोग को जितना मान सम्मान मिल रहा है, जितनी भी उन लोग को तरह की समस्या होती है उसका समाधान होता है। अभी कुछ दिन पहले ही बेंगाबाद में एक हमारी कार्यकर्ता के साथ उनके हस्बैंड लड़ाई झगड़ा किए थे, जिसके रात में उसको निकाल दिए थे, उस छोटे से बच्चे को भी निकाल दिए थे घर से बाहर। हमारी सारी महिला की टीम मिल करके उससे बात की, उसका घर में जा करके बात की, फिर उसके बाद समाधान हुआ। तो इसी तरह से वो सब सुन करके महिला लोग हमारे पार्टी में आ रही है, नई महिला जुड़ रही है, और हम सिर्फ गिरिडीह जिला का नहीं बोल रहे हैं, पूरे 26 जिला का महिला लोग आजसू पार्टी में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, और आज की डेट में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें महिला लोग इतनी जुड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे 2024 के लिए इस तैयारी को देखते हुए? हमारा लक्ष्य है कि हर पंचायत से 300 महिला का टारगेट। अच्छा। मार्च तक में हम लोग का महाधिवेशन होने वाला है, जिसमें हर पंचायत से हमारी चूल्हा प्रमुख लगभग 300 महिला रहेगी, एक पंचायत से उसकी तैयारी चल रही है। 300 महिला हर पंचायत की तैयारी चल रही है। दीदी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ,
हम यही कहना चाहेंगे, पहले तो इस चीज में ज्यादा अनुभव भी नहीं है और आने के बाद अनुभव धीरे धीरे हो रहा है। और भैया और दीदी जी का जिस तरह का हम सुने थे और अभी देख रहे हैं उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। इसी कारण से इस पार्टी में आके हम जुड़े हैं और आगे भी अपना योगदान देंगे और अच्छी तरह से देंगे, बढ़ चढ़ के देंगे। क्या नाम है दीदी आपका? साधना देवी। देख पा रहे हैं कि आदिवासी समाज की महिलाएं भी जुड़ रही है, सबसे खास बात तो यह है आप जुड़ गई हैं पार्टी से। कैसे लग रहा है जुड़ने के बाद, क्या लग रहा है? कहाँ घर हुआ आपका? झलकडीहा। और क्या नाम हुआ? शुक्र मुनिवास के झलकडीहा में। पहले दूसरे पार्टी में थे, इसमें आ गए? हाँ, दूसरे पार्टी में नहीं थे, पहले से पुराना है। पुराना पार्टी? हाँ, पुराना है तो नहीं जा रहे थे, अभी आए। बोला अर्जुन भैया अच्छा लगा आपको? हाँ, पार्टी में अच्छा लगा तो आ गई। अच्छा, तो देख पा रहे हैं लोगों का या रुझान काफी देखने को मिल रहा है। जी समाजी कुछ कहिएगा आप। पहले आपका तो हम लोग कासू पार्टी में जुड़ करके जितना महिलाएं हम लोग हैं तो हम लोग इकट्ठा हो करके गांव-गांव जा करके हम लोग समूह में भी जा करके अपना पंचायत को मजबूत कर रहे हैं। जहां तक के होंगे हम लोग कोशिश करते जा रहे हैं और जीत करके हम लोग ये है कितना महिला लोग हम लोग हैं, हम लोग की बोर्ड की यही बात कर रहे हैं कि हम लोग जहां तक कोशिश होंगे कोशिश करते जाएंगे और भैया को विधानसभा भेजने की हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। हम लोग यही प्रयास या यही बोल के अपनी बातों को। मुस्लिम समाज की भी महिलाएं और आदिवासी समाज की भी महिलाएं जुड़ रही है आशु से, खास बात यहाँ पर एक बताइएगा थोड़ा सा, आप जुड़ी हुई क्या कहना चाहेंगे? पहली बार अच्छा पार्टी में जोड़ के हम लोग खुश हो रहे हैं। हाँ। खुश हैं? हाँ, खुश हैं। जी दीदी आप? अच्छा, काम करेंगे ना पार्टी में? हाँ। मन लगा करके। हाँ, मन लगा करेंगे। और भी दीदियां यहाँ काफी हैं, नंदनी जी कुछ आप बताइएगा। सबसे पहले आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है तो आज उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और इसी अवसर पर आज यहाँ बेंगाबाद में वनभोज रखा गया अर्जुन भैया के द्वारा। वनभोज तो एक बहाना था, लोगों से पार्टी में मिलना था और भैया को रूबरू होना था, इसलिए आज हम लोगों ने एक छोटा सा वनभोज यहाँ पर रखा है। इसमें अधिक संख्या में महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं और हम लोग को खुशी लग रहा है कि जिस आशु पार्टी से हम लोग जुड़े वहाँ महिलाएं भरोसा कर रही हैं और हम लोगों के साथ आ रही हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और आने वाला समय भी देखेगा कि आशु पार्टी में महिला शक्ति आशु पार्टी को जिताकर परचम लहराएगी और गांडे विधानसभा में अर्जुन भैया जी को ही विधायक बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक बनाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है, इनका हो गया। और दीदी थोड़ा अरे आप आइए, आप ही आपका तो जरूरी है। सोनाली जी जो लगातार आशु पार्टी में बनी हुई रहती है और तन मन धन से काम कर रही, क्या कहना चाहेंगे पार्टी के लिए? यह अभी तो हम लोग बहुत पुराना कार्यकर्ता हैं, अभी 25 पंचायत में हम लोग को बेंगाबाद प्रखंड में जाके एक समूह बना करके आदिवासी महिला जात पात से हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत तरह का ग्रुप बना करके समूह बना करके चल भी रहे हैं लेकर के। और आने वाला समय में देखिएगा, अभी आशु पार्टी लहर की कहना मुश्किल है, बहुत भैया को अर्जुन भैया को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, जिताने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में विधायक बनाइए देना है, एकदम बनाएंगे, बनाइए देना है, एकदम बनाइए देना। देख पा रहे हैं जज्बा लोगों का कि बनाइए देंगे विधायक, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ज्वाइनिंग किया है आपने? जी अभी न्यू ज्वाइनिंग है। अच्छा, और हम ये बोलना चाहेंगे कि बहुत कम पार्टी होती है जिसमें महिला लोगों को मतलब भाग लेने का अवसर मिलता है। जी अब जुड़े हैं, अभी न्यू है, देखते हैं आगे, लेकिन ये कोशिश रखेंगे कि आगे बहुत लोगों को जोड़ेंगे साथ में और आशु पार्टी है इसको आगे जिताएंगे 2024 में, यही सब बोलना। क्या दीदी नाम हुआ आपका? जी विनीता देवी। कहाँ पंचायत, कौन से पंचायत से आप? तेलुनारी पंचायत गमतरिया से आए हुए हैं। तेलुनारी पंचायत से, बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के लगभग पंचायतों की दीदियां यहां पर पहुंची हुई हैं और पूरे जोश जज्बा के साथ भी आशु केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा जी भी मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां प्रखंड अध्यक्ष बिंदु मंडल नजर नहीं आ रही है, थोड़ा उनसे भी बात कराइएगा। जी जी आइएगा, क्या कहना चाहेंगे पार्टी के लिए? और अभी जैसे मन तन लगा कर जैसे चूल्हा व चूल्हा करते थे उससे भी और अधिक से अभी इस पार्टी में हम लोग जैसे कि टीम बाय टीम हम लोग जिस तरह काम करते थे पहले और इससे भी ज्यादा टीम है। टीम अभी जैसे 10 के जगह में हम लोग को 10 और 20
को एक को करना है, उसी तरह हम लोग को इसी पार्टी में जैसे पहले बाहर के नेता लोग को जिताते थे उस नेता को नहीं हम लोग को छूना है न टच करना है, हम लोग को इसी पार्टी में ही रहना है और इसी पार्टी को ही जिताकर और हाथ मजबूत करके जैसे कि इसी पार्टी नहीं हम ही लोग जैसे इसी पार्टी बनना है, इसी हर घर के नेता को जिताना है, हर हर घर में नेता को जिताना, घर घर के नेता को जिताना, अपने घर को कुछ दीदी कहिएगा जी, सब आगे बड़ी चल जाती है जगह भैया को ही जिताएंगे, घर का ही नेता को जिताएंगे और भैया बिंदु मंडल जी प्रखंड अध्यक्ष महोदया बिंदु मंडल जी क्या कहना चाहेंगे, आज बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी महिलाएं शामिल हुई है, बताइएगा। पहले सभी पत्रकार भाइयों को नमस्ते, थैंक यू, और आज हमारे बेंगावत प्रखंड में आसू पार्टी की जत्था चल रही है, जैसे सब जुड़ रहे हैं सभी देख करके, और वनभोज भी रखा गया है आसू पार्टी के माध्यम से, और ये वनभोज सिर्फ बहाना है, संगठन मजबूत करना है ये हमारा लक्ष्य है, और 2024 का मिशन पूरा करना है वो हो रही है और करेंगे, गांव जा करके जितना भी महिलाओं के साथ प्रॉब्लम हो रही है सब देखते हुए सब भैया सॉल्व कर रहे हैं, ये देखते हुए सभी दीदी सभी पंचायत के सभी गांव के दीदी लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं भैया के साथ में, और भैया को इस बार जिताना है हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र से। बिल्कुल, वनभोज एक बहाना है, संगठन को मजबूत बनाना है, आपका क्या कहना है? मेरा भी वही कहना है जी। तो बिंदु जी बोली है ना, एक बहाना है, संगठन को मजबूत करना है और हम लोगों को मान सम्मान देना है, सभी जितने भी हमारे महिला पुरुष हैं हमारी पार्टी में मान सम्मान के हम भूखे पार्टी है, ठीक है, यहाँ मान सम्मान मिलता है, दूसरी पार्टियों की तरह यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है, प्रोटोकॉल से हटके काम नहीं होता है, यहाँ पे सब एक समान है, जो घर परिवार जैसा है, बिल्कुल, ये आशु पार्टी नहीं एक परिवार का टीम है ना, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से अभी हमारा जनाधार बढ़ रहा है आने वाला टाइम में हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि अर्जुन बैठा सिंहासन पर बैठेंगे, ये हमारी दावा है। बिल्कुल बिल्कुल, वनभोज एक बहाना है, संगठन को मजबूत बनाना है, और 2024 को अर्जुन बैठा जिंदाबाद, अर्जुन बैठा जिंदाबाद, हमारे बीच केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा जी भी मौजूद हैं, जहां लोग जुटे हुए हैं और काफी लोगों का आज यहां पर लोगों का ज्वाइनिंग भी हुआ है आशु पार्टी में, और उन्हीं से जानेंगे कि आज इस खुशी के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे अर्जुन जी आप। पहले हम अटल जी भारतीय जो प्रधानमंत्री थे जो स्वर्गीय हो गए उनकी पहले सत नमन करता हूँ, साथ ही साथ आज बड़े 25 दिसंबर है जो पिंसन का त्यौहार है, जो सभी देशवासियों राज्यवासियों और जिलावासियों और प्रखंडवासियों विधानसभा सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, साथ ही साथ आज वनभोज के कार्यक्रम में आप लोग सभी प्रेस मीडिया बंधु को भी स्वागत करता हूँ जो यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, पर हमारे बीच में जो पदाधिकारी कार्यकर्ता और महिला पुरुष जो जुटे हैं उन लोगों को भी हार्दिक स्वागत करता हूं, साथ ही साथ हमारे बीच में आज कुछ नए महिला कुछ नए पुरुष जुटे हैं उन लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं, और हम लोग आज जो वनभोज का प्रोग्राम किए हैं 22 जाने वाला और 23 आने वाला इसी पर हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूँ। आज हम लोग कार्यक्रम जो है सो कुछ हमारे जो पंचायत अध्यक्ष सचिव हैं महिला और पुरुष उन्हीं लोगों को बुलाया गया था, उसी बीच में हम लोग का जॉइनिंग जो आज 70-80 आदमी को जो किया गया है बहुत खुशी है, और लगता है कि आंसू का जनाधार बहुत आप लोग के माध्यम से और किसी माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत आगे बढ़े, हर पंचायत से हमारे महिला पंचायत के अध्यक्ष सचिव आई है, हमारा पंचायत अध्यक्ष पुरुष आए हैं, और सभी से एक एक हम लोग पंचायत से उठा के बात किए और हम लोग पूरे सर्वे किए कि हम लोग किस तरह से सभी बूथ में जो हम लोग संख्या बनाए हैं जो बूथ स्तर पर चूल्हा प्रमुख जो बन रहा है उन्हें हम लोग तय करना कि हर पंचायत में 2 तारीख से जाना हमको है और हर पंचायत में बैठक करना है, एक एक पंचायत को रिव्यू करना कि हम लोग का बूथ स्तर में क्या है नहीं है, और एक एक कार्यकर्ता से मिलेंगे एक एक महिला से मिलेंगे और गाँव की ओर जाएंगे और गाँव के समस्या को सुनेंगे और जो हम लोग पार्टी की ओर से जो समाधान होगा हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो हम लोग से नहीं बन पड़ेगा वो हम लोग आगे ले जाके अपने केंद्रीय माननीय सुदेश महतो जी ले जाके प्रयास करेंगे वहां से मनाने का प्रयास करें, नहीं तो हम लोग किसी भी
समय से यदि पैसा आएगा तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और आसू पार्टियां सबसे आगे रहेगा, ये मेरा जाना घर है। जैसे झारखंड में देखा जा रहा था कि नियोजन नीति जो है सो कोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया, तो तमाम जितने भी झारखंडी युवा हैं, झारखंडी अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के सामने करो या मरो की स्थिति आ गई, बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं पूर्ण रूप से, तो ऐसे में आशु विपक्ष में है, तो आशु कितना दबाव बनाएगी वर्तमान सरकार पर कि नियोजन नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाए और जो वर्तमान में सरकार जिस हिसाब से नौजवानों को जिस हिसाब से 5 लाख नौकरी देने का बात किया था, वादा किया था, तमाम वादे से मुकर रही है, तो इसको सरकार को घेरने का प्रयास क्या कुछ देखने को मिलेगा आपकी पार्टी के द्वारा, क्या कदम उठाया जाएगा द्वारा? आप लोग भी मीडिया से देखते होंगे, हमारे लामोदर मता, हमारे माननीय केंद्रीय सुदेश महतो जी हर बार जब विधानसभा चले तो बाहर में देखेंगे बैनर लेके बैठे रहे कि निजी तो नीति कैसे बने, 1975 खतियान कैसे लागू हो, नौकरी कैसे लागू हो और ये 2027 आरक्षण कैसे लागू, इस पर लगातार उनने प्रयास किया। और हमारे जो सरकार अभी है उसने जो बनाई 1975 खातून नियोजन बनाई उसमें कहीं ना कहीं गलत था जो आज हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको अपना जो झारखंडी झारखंडी में जो झारखंडी लड़का है जिसको सब भागीदारी होना चाहिए, सभी को जिस तरह दूसरे राज्य में हम देखेंगे बंगाल में उड़ीसा में जहीं भी कहीं भी जाइए चतुर्थी लड़का लोग को सभी जो लोकल है जो झारखंड जैसे जिस जहाँ राज्य का उस राज्य को मिलता है, इसी तरह हमारे झारखंड में सभी लड़का लोग आज हमारा नौजवान साथी लोग सब बाहर देखे चल गुजरात सूरत बम्बई कहीं कहीं घूमने कहीं कहीं कमाने चल जा रहे हैं, इसी तरह हमारे बेरोजगार बहुत लड़के लोग हैं। आज हमारे सरकार चाहते हैं तो ऐसा काज करें जैसे कोई भी अप्लाई कर रहा है कहीं से हम लोग को फैक्ट्री करना है चाहे छोटे छोटे उद्योग करना है, अप्लाई कर टाइम दिया जाए दो महीना तीन महीना ऑनलाइन में किया जाए, क्यों सभी आप देखेंगे कभी आप लोग रजिस्टर का ऑनलाइन जब होता है ना कहीं राम के जगह में काम लग गया तो काम लग गया एक जरा सा अक्षर हुआ तो उसको बदलने में आज ऑनलाइन में दिक्कत हुआ, जैसे रजिस्ट्री करने जाइए तो राम होना चाहिए तो काम लग गया तो उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट के ऑनलाइन करने वाला कहीं पब्लिक नहीं, आपका खतियान ओरिजिनल है लेकिन कहीं कहीं दिक्कत है, ये समस्या कैसे हल हो, यदि आपका मैनुअल यदि अच्छा है तो उसमें कर सकता है, ऐसा भी नियोजन होना चाहिए। इस तरह का सरकार जो कर रहे हैं सरकार का कहीं ना कहीं विफलता है, चाहे वो राज्य सरकार का जो अफसर है वो सबका गलत है, चाहे राज्य में जो विधानसभा का जो विधायक है उन लोग का कहीं गलती है, हमारे विधानसभा में चाहे हमारे पूरे झारखंड में कोई भी विधानसभा में ऐसा नहीं है कहीं न कहीं जो एक भी नहीं जैसा कि को रोजगार कहीं स्कूल चाहिए, हमारा तीन चीज चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी, ये चार व्यवस्था चाहिए तो कहीं न कहीं गाँव के लोग अपने काम जैसे पानी दें तो अपना मैंने कृषि विभाग करके काम कर सकते हैं, बिजली दें तो कहीं कहीं उद्योग अपना छोटा छोटा करके काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो बालू का समस्या भी देख रहे हैं कि आप कहते हैं बालू का माने अभी हम लोग लीलाम नहीं किया लेकिन बालू से कैसे काम हो रहा है, सरकारी काम कहाँ से आ रहा है बालू, कहाँ से कैसे दिल्ली पटना से नहीं आ रहा बालू तो लोकल है, कहीं ना कहीं चोरी बालू हो रहा है ना, अब सरकार चोरी करवा रही है इसके माने, अब उसको ऑनलाइन कीजिए उसको ये कीजिए, लोकल आने बालू लाने जाएंगे तो गाड़ी वाला को 1200 रुपया फाइन लगेगा, 1000 रुपया फाइन लगेगा, 8000 रुपया फाइन लगेगा, कहाँ से गरीब एक छोटा सा परिवार होता है कृषि का गाड़ी जो भी ट्रैक्टर का कृषि उद्योग का होता है उन लोग कमाते खाते हैं, उन लोग को कहीं गाड़ी पकड़े तो 8000-10000 फाइन करके उनको गाड़ी छोड़ा जाता है। अनलीगल क्या है, लोकल आदमी लोकल बालू लोकल घर में उसमें अनलीगल क्या हम पता नहीं, यदि अनलीगल है तो उसको इनाम दीजिए भाई, वो चलान देंगे चलान के माध्यम से जाएंगे, ये भी नहीं हो रहा, कहीं न कहीं हम लोग कहीं सरकार का दोषी है और सरकार का जो अफसरशाही उन लोगों में कहीं कहीं दोषी है। आज हम लोग कहीं भी चल जाए, अभी नल जल योजना का देखिए लगातार उठ रहा है कि एकदम खराब हो रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और काम हो रहा है कोई रोक नहीं सकता है, ये हम देख रहे हैं पूरे झारखंड में नल योजना का कहीं भी शिकायत हर जिला से शिकायत आ रहा है, आज तक वो उसका कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब सरकार क्या नहीं करेंगे उस सरकार को जब बनाए नौजवान साथी में 5 लाख का नौकरी देने बात है तो बोल रहे हैं नौकरी देंगे, नौकरी तो फिर पेंडिंग में चल गया जब निरस्त हो गया खत्म निरस्त गया, इसलिए कहीं ना कहीं आप तो समय जा रहा है वो समय जाते जाते फिर रोड सब आ जाएंगे चुनाव के समय और बोलेंगे हम तो सब कर दिए हुआ नहीं तो हम क्या करें, विपक्ष तो विपक्ष को बोला ना विपक्ष को मांग कीजिए ना विपक्ष बोलेंगे क्या क्या होना चाहिए, विपक्ष के साथ लेकर बैठिए तो विपक्ष आपका विरोध कर रहा है कि 1932 खत्म कैसे लागू हो उसमें विपक्ष को बैठे विपक्ष को बोलिए आप ही बना दीजिए हम सब पास करें, जब आपको वही करना है 1932 विपक्ष को 1932 करना दोनों खुल जाएगा कौन सही कौन गलत है,
ये तो बात होना चाहिए राज्य सरकार को, ये नहीं हो रहा है। ये कहीं खाली आप लोग आपस में लड़ाई होता है और जब विधानसभा से निकलेंगे कहीं ना कहीं लोग मीठा और रसगुल्ला बना के खाने का काम करते हैं और नौजवान साथी हम लोग बेकार रहते हैं, यही करते रहिए, हम लोग यही जाते रहेंगे और बाहरी को जिताते रहे, बाहरी को भगाते रहे, यही काम हम लोग का है। एक काम होने से नहीं होगा। और यहाँ पर जब चुनाव होता है तो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, हम लोग हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं, सब लोग एक भाई हैं, कोई कहीं नहीं जा सकते हैं, सब लोग यहाँ का जनता है, यहाँ का गरीब, हम लोग सब यहाँ रह सकते हैं, एक साथ मिलजुल के रहते हैं। आज चुनाव आएगा ना फिर हिंदू मुस्लिम होने लगता है, अभी तक नहीं होगा, तब कहीं मूर्ति टूट गया, कहीं मस्जिद टूट गया, कहीं कुछ टूट गया, ये हल्ला होता नहीं। ये सब हम लोग आज आंसू पार्टी से पूरे गांडे विधानसभा ये होने नहीं देंगे और हम लोग जनता को भ्रमण नहीं होने देंगे। जनता हम एक एक जनता को एक एक जनता को देखने के लिए हर मस्जिद हर मंदिर में रहेगा, कोई किसी का दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। एक जय हिंद जय हिंद। तो देख पा रहे बेरोजगारी समस्याएं जो भी है सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आशु केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को बताया जा रहा है। और यह जो कार्यक्रम जो आज देख पा रहे हैं आप, यह उमड़ा जनसैलाब अर्जुन बैठा केंद्रीय सचिव के नेतृत्व में वनभोज का कार्यक्रम एक बहाना है, संगठन को मजबूत बनाना है और 2024 में अर्जुन बैठा को जिताना है, ये बातें निकल करके सामने आई है। बने रहे आप बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम, थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।